बोले शंकर भगवान की। नाम क्या है? गुण निधि। जिनमें गुण ही गुण पर्याप्त महाराज कहते, गुणों की कोई पार ना पा सके। गुण निधि लेकिन क्या हुआ महाराज? बड़ा दुराचारी, बड़ा व्यभिचारी, अंत तो ब्राह्मण इतना दुखी हो गया, अपने घर से निकाल दिया, भगा दिया। बेटा है तो क्या हुआ? दुराचारी, पुत्र मेरे घर में नहीं चाहिए, भगा दिया। महाराज सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, शाम हो गई, खाने को कुछ मिला नहीं, पीने को पानी, महाराज कितना पानी पीता महाराज, भूख के मारे तड़पने लगा महाराज, इतनी भूख लगी उधर में चेंगा पड़े, अब तो कुछ खाने को मिल जाए। अब ऐसे अच्छा आदमी हो तो कोई भी दे दे ले भैया दो रोटी खा ले, अब ऐसे चोर व्यभिचारी आदमी को लोग देखे तो दरवाजा बंद कर ले, कौन खाने को दे, कोई पानी तक नहीं देता पीने। बढ़ता गया, एक गांव के समीप पहुंचा, एक गांव के समीप पहुंचा तो उसे मंदिर दिखाई दिया, एक शिवालय। सोचा कोई पूजा करने आया होगा तो कुछ तो भोग लगाया होगा, कुछ तो मंदिर में चढ़ाया होगा, फल मिष्ठान जो मिल जाए, थोड़ा बहुत ही मिल जाए तो कम से कम थोड़ा बहुत खा के पानी पी। तो महाराज मंदिर में वो प्रवेश किया, कुछ खाद्य वस्तु को उठाने के भाव से, और जो मंदिर में प्रवेश किया है महाराज, अंदर शाम तो हो गई थी, अंधेरा लग रहा था, एक छोटा सा दीपक जगमगा रहा था, तो छोटे से दीपक की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दिया, तो जो वस्त्र पहने था उसी वस्त्र को उतारा और उसी वस्त्र को दीपक में लगाया, आग जलाई, लकड़ी से पकड़ा और पूरे शिवालय में घूम घूम करके देखा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये तो हुआ, लेकिन यहाँ महाराज कहते हैं गांव वालों की दृष्टि पड़ गई। क्या? बोले मंदिर में चोर घुसा है। गांव वाले कुछ लोग दौड़े दौड़े गए, डंडा लेकर के महाराज दो चार से लोग गए, अंदर प्रवेश किए और उसको देखा, अरे चोर चोर। अब तन पे कपड़ा और नहीं थे महाराज, शर्ट पहना था वो भी जल गया, अब तो पूरा कन्फर्म चोर। पकड़ा महाराज गांव वालों ने, इतना मार मारी महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब मृत्यु को वह प्राप्त हुआ महाराज कहते हैं भगवान शंकर के पार्षद आए उसको लेने। एक तरफ यम के दूत खड़े हैं, एक तरफ भगवान के पार्षद खड़े हैं भोलेनाथ के, दोनों में वार्तालाप हुई और महाराज दोनों में वार्तालाप हुई। यम के दूत कहे ये महापापी है, इसको हम लेके जाएंगे, और भगवान शिव जी के पार्षद कहे अरे ये महापापी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा दानी। बोले क्यों? बोले सब तो सूत की कपास की जरासी इतनी सी बत्ती बना करके दो बूंद घी तेल में भिगो करके जलाते हैं, इसने तो पूरी की पूरी अपनी वस्त्र ही जला दिया, लोग इतना सा दीप दान करते, इसने तो पूरा का पूरा वस्त्र दान कर दिया, सबसे बड़ा दानी हम लेकर के जाएंगे। बोले अरे ये अपने स्वार्थ के लिए उजाला प्रकाश कर रहा था, ये तो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। बोले भगवान भक्ति का कारण नहीं देखते, भगवान साधन नहीं देखते, भगवान तो साधना देखते हैं प्यारे। और हम लोग क्या, हम लोग साधन बहुत बनाते हैं लेकिन साधना में शक्ति नहीं होती है। भगवान प्यारे साधन नहीं देखते। तुम कथा में आए हो चार चक्के से आए हो कि दो चक्के से आए हो कि हेलीकॉप्टर से आए हो कि पैदल आए हो, इससे भगवान को मतलब नहीं है। तुमने आके कैसे बैठ के कथा सुनी है भगवान को, इससे मतलब ये थोड़ी कोई चार चक्का से आए तो भगवान के लिए वो स्पेशल हो जाए ना। साधन प्रिय नहीं है परमात्मा महाराज, साधना प्रिय है भगवान, भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को भक्ति प्रिय है महाराज। और यम के दूतों से शिव के पार्षदों ने छुड़ा लिया उसको महाराज। भगवान उमा महेश्वर के पास लेकर के पहुंचे, भगवान उमा महेश्वर प्रसन्न हो गए और महाराज प्रसन्न होकर के शिव जी ने महाराज कहते हैं कि तूने इतना बड़ा काम किया, अपने वस्त्र ही जला करके तूने प्रकाश कर दिया। महाराज आइए, इतना बड़ा काम किया तूने, इतना बड़ा काम किया महाराज, भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं महाराज कलिंग देश के राजा का पुत्र उसको बना दिया महाराज। राजा के घर जाकर के वह पुत्र रूप में जन्मा, अरिंदम नाम के राजा का बेटा बना, नाम पड़ा दम महाराज। राजा के और भी बेटे थे,
और भी बेटे थे राजा के, लेकिन कोई कुछ खेल खेलते हैं, कोई कुछ खेल खेलते हैं, कोई कुछ खेल खेलते हैं, लेकिन ये जो दम हुआ ना, अरिंदम का बेटा महाराज, कौन? वही ब्राह्मण बेटा जो चोर व्यभिचारी था, मरा शिवालय के समीप। मरने के बाद दूसरा जन्म अरिंदम राजा का बेटा दम बना, और वह दम रूप में महाराज खेलता भी है तो शिवालय के पास, महाराज पूजा भी भगवान शंकर की करता है। और महाराज कहते हैं कुछ काल बाद राजा की तो मृत्यु हो गई, भगवान शिव की कृपा से राजा की मृत्यु हुई और इसी को राजा बनाया गया। किसको? अरिंदम के बेटे दम को राजा बना। और राजा बनते ही उसके स्मरण में एक बात आई, क्या? मैंने अपने स्वार्थ के लिए पूर्व जन्म में शिवालय में वस्त्र जलाया था चोरी करने के लिए, लेकिन मेरे महादेव ने उस वस्त्र का फल मुझे क्या दिया कि मैं मुझे खाने के लिए मैं तरस रहा था, मुझे अन्न का दाना नहीं मिल रहा था, इतने बड़े राजा के घर में मुझे पैदा किया, भगवान महादेव की कितनी बड़ी कृपा है, और मेरे उस वस्त्र जलाने को भगवान ने दीप यज्ञ समझ लिया, अब मैं राजा बना हूँ, तो अब मैं ये आज्ञा पारित करता हूँ। सब मंत्रियों को बुलाया महाराज, पूरे राज्य के गांव नगर महानगर सभी जगह के पंचों सरपंचों को बुलाया, और महाराज सब राजे महाराजे मंत्री संतरी सबको बुलाया और सबको आदेश दिया कि जहाँ तक मेरे राज्य की सीमा है किसी भी शिवालय में किसी भी देवालय में अंधेरा नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन दीप यज्ञ करो, प्रतिदिन दीप यज्ञ करो, ये आदेश पारित किया राजा दम ने। अब तो महाराज जहाँ देखो वहीं शिवालय जगमगा रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ शिवालयों में दीप जल रहे हैं, और महाराज इसका फल क्या हुआ महाराज? कहते हैं महाराज राजा दम बहुत प्रचुर मात्रा में संपत्ति को प्राप्त हुआ, उसका राज्य बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, और महाराज कहते हैं उस दीप यज्ञों के आश्रय से ही वो महाराज अलकापुरी का राजा बना, भगवान शिव की कृपा दीप यज्ञ से अलकापुरी का राजा बना महाराज। और कहते हैं भगवान शंकर की कृपा से महाराज बड़े बड़े सुंदर सत्कर्मों को करते हुए, एक तो ये कथा हो गई, भगवान शिव जी ने उसको दिग्पाल पद दे दिया, राजा से दिग्पाल बन गया महाराज, और कहते हैं महाराज उसका शरीर छूटा। और दूसरे कल्प की एक कथा और है, कहाँ की? पद्म कल्प की। पद्म कल्प की बात यह है कि महाराज ऋषि विश्रवा के यहाँ पर जन्म हुआ, ऋषि विश्रवा के यहाँ इसी का जन्म हुआ, और वहाँ महाराज कहते नाम पड़ा इसका वैश्रवण।